विकास से हमको नज़र आता है और हम मोदी है तो मुमकिन एकदम सही है, एकदम 100% सही है। मंदिर बन गया, मंदिर बन गया तो ठीक है, मंदिर तो बन गया, तुम्हारा क्या फ़ायदा हुआ वो देखो ना, घर में खाने के लिए नहीं है लेकिन मोदी मोदी चिल्ला रहे हैं। हम तो ले ना तो रहेगा, जिसको रास्ता में चलने आता है उसको तो बोले गए ईंटा यहाँ था तो गिर गए हम लग के। जो उन्होंने वादा किया था राम मंदिर बनवाने का, धारा 370 हटाने का, ये सब वादा उन्होंने पूरा किया है तो जनता जो है वो उन पर अब विश्वास करती है। भारत पहले दूसरे मुल्क पर आश्रित था, अब भारत हमारे दूसरा मुल्क वाला हमारे मुल्क के ऊपर आश्रित हो जाएगा, चैलेंज मेरा असगर का। नमस्कार, देशवा न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं काजल आपके साथ। लोकसभा चुनाव का फर्स्ट फेज मतदान खत्म हो चुका है, अब दूसरे फेज की तैयारी चल रही है। उसी बीच में हम जनता से जानने के लिए आए हैं क्योंकि जनता ही जनार्दन होते हैं और उनसे हम जानेंगे इस बार क्या कुछ मुद्दा होगा जिस पे ये लोग वोट देंगे। क्या पुराने सांसद जो वर्तमान सांसद हैं उनको वोट देंगे या फिर दूसरे को देंगे, चलिए हम इनसे जुड़ते हैं और हम जानेंगे कि क्या कुछ है। सर इस बार किस मुद्दों को देख के आप लोग वोट देंगे? हम तो सुख समृद्धि और क्या, वही शांति कैसे कहीं देख रहे हैं लफड़ा होते हुए, सब चल रहा है शांति से एकदम। शांति से मतलब जो आप इनडायरेक्टली आप बोल, आदमी का काम क्या है, आदमी का काम है सुख शांति समृद्धि और क्या चाहिए। इनडायरेक्टली आप यही कहना चाह रहे हैं ना कि जो है उन्हीं को दे। बढ़िया है जो है वो, बढ़िया है एकदम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कम्प्लेन तो रहेगा, जिसको रास्ता में चलने आता है उसको तो बोले गए ईंटा यहाँ था तो गिर गए हम लग के। क्या कहेंगे सर? अरे हम सर के साथ ही जाएंगे, जो सर बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। सर अंधभक्त हुआ जो वो कर रहे हैं? नहीं कोई अंधभक्त नहीं है, कोई अंधभक्त नहीं है, अंधभक्त है कोई, सब लोग पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे हैं, कलम देखिए कलम है ना। हाँ जी, इस बार क्या कुछ मुद्दा रहेगा जिस पे आप वोट देंगे? वोट देने का मुद्दा अगर रोजगार पे बात जो करेगा उसको मिलेगा, खाली मंदिर मस्जिद और पाकिस्तान को लेकर अगर बात करेंगे तो वहाँ वोट क्या करेंगे, उन सब से क्या लेना देना। यहाँ ज़मीनी हकीकत पे आइए, रोज़गार के पे बात कीजिए, महंगाई पे बात कीजिए तो वहाँ वोट करना सही होगा। और जो लोग सिर्फ मंदिर को देखे, मंदिर बन गया तो ठीक है, मंदिर तो बन गया तुम्हारा क्या फ़ायदा हुआ वो देखो ना, घर में खाने के लिए नहीं है लेकिन मोदी मोदी चिल्ला रहे हैं। इस बार जनता एक्चुअल मुद्दा देख के वोट देगी, ये कहना चाह रहे हैं आप? एक्चुअल देखना ही चाहिए, नहीं तो बर्बादी तो लिखा है। जी बिल्कुल, देखिए लोगों से हम साफ तौर पे जुड़ेंगे और हम जानेंगे कि इस बार का जो मुद्दा रहेगा क्या रहेगा, नौकरी रहेगी या फिर एजुकेशन डेवलपमेंट सब कुछ देखेंगे या फिर बस नाम के नाम पर रहेगा। सर इस बार क्या कुछ मुद्दा रहेगा वोटिंग करने का? मेरे ख्याल से मुद्दा जो रहेगा वो बेरोजगारी का मुद्दा रहेगा, लेकिन मोदी जी ने बहुत कुछ काम किया है। जो उन्होंने वादा किया था राम मंदिर बनवाने का, धारा 370 हटाने का, ये सब वादा उन्होंने पूरा किया है तो जनता जो है वो उन पर अब विश्वास करती है कि इन्होंने जो वादा किया था, जो उन्होंने वादा किया था उसको पूरा किया, लोगों के साथ नाइंसाफ़ी ना की। और भारत जो है अर्थव्यवस्था में भी आप देखेंगे तो 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है, उस दिशा में भी मोदी जी कार्य कर रहे हैं। विपक्ष का तो काम है मुद्दा उठाना लूप और सरकार की कमियों को गिनाना, तो जो विपक्ष है वो बेरोज़गारी को बहुत बड़ा मुद्दा बनाया है। ऐसे ना, ऐसा नहीं है कि नौकरियां नहीं मिल रही हैं, नौकरियां मिल रही हैं, जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं जिनके पास स्किल्स हैं और जो जॉब मार्केट में रेडी हैं कि कोई उनको इंडस्ट्री हायर करे तो उसके लिए जॉब है, जॉब तो है ही। इस बार क्या कुछ मुद्दा रहेगा सर वोटिंग का? वोटिंग का रहेगा कि हमने समझ से मैडम जी भारत में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है, वंदे भारत चला है, बुलेट ट्रेन चलने वाला है, बड़ी बड़ी लंबी लंबी 4 लेन की सड़कें बनी हैं, बड़े बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने हैं, विकास से हमको नज़र आता है और हम मोदी है तो मुमकिन एकदम सही है, एकदम 100% सही है, एकदम है सही है। मोदी का कोई भी नहीं है खाने पीने वाला कि अपने बीवी बच्चों भाई भतीजा के लिए चलेगा। भारत जो उसका आधारभूत संरचना है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भारत ने बहुत विकास किया, बड़े बड़े जो मोदी मैजिक। हाँ, और दूसरी बात
मैं हमेशा रांची फ्रिक्वेंटली ट्रैवल करता हूँ। रांची जाने के लिए कोई बढ़िया ट्रेन नहीं था, वंदे भारत, लेकिन वंदे भारत के आने से हमारा समय बच रहा है। 4 घंटा में पहुँचाता है मैडम। क्या कुछ मुद्दा रहेगा इस बार? इस बार मुद्दा कुछ नहीं है, खाली बेबाप जितना बॉर्डर बांध ले बहुत सारे लोग माथा कर उनसे पूछो पूछो। हम सोचते थे कि हमारा मुल्क का पोजीशन 6ठा 7वां है का भाई, अब 5-10 साल में 1 नंबर पर भारत होगा। भारत पहले दूसरे मुल्क पर आश्रित था, अब भारत हमारे दूसरा मुल्क वाला हमारे मुल्क के ऊपर आश्रित हो जाएगा। चैलेंज मेरा असगर का। क्या मुद्दा? देखिए मुद्दा बहुत अच्छा है कि मुद्दा पहले से ही जो भी मुद्दा था तो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री मेरे पूरे कर दिए हैं। अभी बेरोजगारी का जो प्रश्न उठता है, बेरोजगारी हो गया और तरह तरह का अनेकों मुद्दा विपक्ष उठा रहा है, ये सभी ये भी वो जितना भी चीज़ है ये भी अगला टर्न में सुधार हो जाएगा और बहुत सारे जो फैक्ट्री है विदेश में आने वाली है और कुछ होने जा रहा है। क्या क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद असगर है, आलमगंज बैंक को पसंद कर रहे हैं। हम मोदी सरकार को पसंद करते हैं। ऐसा बोला जाता है कि मोदी सरकार से एंटी रहते मुसलमान? गलत बात है। देखिए मैं एक बात कहूंगा कि कोई ऐसा किशमिश ना है जिसमें दुम या उसको पूछी ना है। कभी जमाने में हल्का पुल्का भूल हुआ होगा। शासन चलाने के लिए तो एक बादशाह ने अपने 99 भाई को मार डाला था, जो आगम कुआं मंदिर अभी गवाह है। माने कहीं कहीं एक बात भूल हो जाता फिर तो संभल ही गए। लेकर भी मुसलमान लोग असल बात यही असल बात ये। तो मेरा कहना है कि ठीक है तुम्हारा मस्जिद था तो उस जमाने में तुम कबूतर क्यों उड़ाए, पतंगबाजी क्यों किए, उसी समय तुमको पूरा जमीन खोद के और हटा के तुमको मस्जिद बना लेना था। तुम तो रह गए नवाबी के चक्कर में और जिसका था वो ले लिया। उनका ये भी कहना है, खासकर आप लोग के ही जो संगत में है, उनका ये कहना है कि जो मोदी है ना वो कुछ काम ही नहीं करते, खासकर मुसलमानों के लिए एंटी है। नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन जाता है तो खाली हिंदू यूज करेगा? अगर बुलेट ट्रेन बन रहा तो खाली मोदी जी उस पर आए जाएंगे? आप जाइएगा मैं जाऊंगा। बड़ा बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बन रहा है, स्टेडियम, उसमें खाली मोदी जी खेलेंगे कि हम भी खेलेंगे, हम भी देखेंगे? सारा भारत का स्टेशन डिजिटल हो रहा है, खाली मोदी जी का खानदान उस पर जा रहा चार करके कि मैं भी जाता हूँ। हेलो हाँ सर पैसा भेज दें? हाँ भेज दिए। कितना निकालो? निकल गया। किसने भेजवाया? डिजिटल पैसा। तो हर मुसलमान भाई सपोर्ट कर रहे हैं मोदी जी? एकदम, हम तो करेंगे। मोदी है तो मुमकिन है, तो बात सही है। तो है बिल्कुल, तो मोदी है तो मुमकिन है। साफ तौर पे आप देख सकते हैं लोकसभा चुनाव चल रहा है, उसी बीच में इस तरह की जो चीज़ें हैं वो देखने के लिए मिल रही है। तो साफ तौर पे आप कह सकते हैं कि चुनाव में क्या कुछ सरगर्मी होगी वो देखना लाजमी रहेगा और क्या कुछ मुद्दा रहेगा वो भी देखना रहेगा। बने रहे देशवाणी न्यूज़ के साथ, मैं काजल सर्विस।